Correct. Wait, I'll show it here also so that just a minute, I'll connect. Question was, I guess, 6. Can you please repeat the question? Okay. Megha, right? Megha, we are just solving one question for Vaniculum also. She was just having one doubt in that, okay? Kunjal, please check it out now. 8. So we will apply rule number 1. So 2 bar is here. Correct. For 4, it will be rule number 2A. So this will give us 5. Now, as per the rule, after 2A, we have to go to rule number 1. Correct? But as this is the below 5, we are not implementing anything. So we are moving further. Again, it is below the 5, so we are not implementing anything. This will give us 3 as it is. So again, we will apply rule number 1 because we have not applied any rule in this 2-digit. So what will come for 6? It should be 4 bar. Correct? And first of all, this is bigger than 5. So we will apply 0 here. As per the rule number 3. So this will give us 1, correct? Because this is 2A. Correct? I'm just writing it here. This is 2A. So 0 plus 1 will give us 1. So this is the answer for 63148. Answer will be 1, 4 bar, 3, 1, 5, 2 bar. Correct? Understood or any doubt? Correct. Yes, because we have not implemented, we have to apply something. If the same thing like 6, 3, 5, 1, 4, suppose this is the digit, what we will do? For 4, it is not applied, we will keep it as it is. Again, 1 is not applied, keep it as it is. So we will apply rule number 1 here. Correct? This will give us 5 bar. Correct. 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 So this is your answer. Got it? Clear? कोई डाउट? श्योर. यस, मेघा, आई गेस यू हैव ऑल्सो ज्वाइन, राइट? यस. सो कॉन्सेप्ट इज कैलेंडर कॉन्सेप्ट. कुंजल, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. आई विल जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया व्हाट इज दी कैलेंडर कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट. If like particular date in any year coming और मे बी इन पास्ट उस दिन कौन सा डे था वो हमें अगर पहचानना हो तो देर इज सम कॉन्सेप्ट इन वैदिक मैथमेटिक्स थ्रू विच वी कैन नो दैट. ओके, दिस इज कॉल्ड कैलेंडर कॉन्सेप्ट.
फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं लिख लेती हूँ बोर्ड के ऊपर, इफ पॉसिबल नोटेड डाउन सो दैट रेफर कर पाऊँ आप उसे, ठीक है? फर्स्ट नोट्स आप अगर रेफर करोगे तो उसमें मिल ही जाएगा, यही चीज़ है, अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो डाउट ना हो। डेज ऑफ द वीक के कुछ कोड होते हैं जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, डेज ऑफ द वीक, ठीक है? जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे होता है, सेम वे इट विल बी संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड सो ऑन। सो दिस विल बी वन, डे वन, डे टू, डे थ्री, फोर, फाइव। फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे दिस विल बी सिक्स, एंड लास्ट सैटरडे विल बी जीरो, इट विल नॉट कम एज सेवन। सो दिस इज द मेन पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट थिंग। इज दैट क्लियर बोथ ऑफ यू? कुंजल इज दैट क्लियर टू यू ऑल्सो? ठीक है, यस यस। नाउ सेम वे दिस विल बी मंथ कीज ऑल्सो। नाउ दिस इज अ सिंपल थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, इट इज नॉट लाइक आप इसे कुछ कर पाओगे या रिमेंबर। हाउ वी रिमेंबर एनी वंस मोबाइल नंबर, सेम वे यू हैव टू रिमेंबर, डिजिट इज 144। आई एम जस्ट राइटिंग आउट हाउ आई हैव लर्न दिस, ओके? 144 05 036 146, ओके? दिस इज द नंबर, ओके? जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस। नाउ दिस इज द मंथ कीज, वन इज जैन, फेब, मार्च, देन 025 इज अप्रैल, मई एंड जून, सेम विद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओके? नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, एज आई सेड, जैसे मोबाइल नंबर किसी का याद रखते हो उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट सूत्र नहीं होता, वी जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। सो सेम वे यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, 144 025 036 146, क्लियर? If you want, take a screenshot or maybe you can write it down in your own words. Third thing, what you have to remember is century calendar. Okay? For this, 16, देखिए इतना पुराना कहीं पे भी नहीं आएगा, कोई ना एंट्रेंस एग्जाम में ना कोई स्कूलिंग्स में, कहीं पे भी ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट जस्ट इन केस इतना पुराना 16th सेंचुरी का अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, दैट इज द रीजन मैं 16th सेंचुरी से बता रही हूँ आपको, ठीक है? 16, 17, 18, 19 सेंचुरी, 20, 21, सारे सेंचुरीज लिख देते हैं हम। अब 16th जो है उसका कोड है 6, 17 का कोड है 4, 18 का कोड है 2, 19 का कोड है 0। सेम चैप्टर 20 भी सेम करना है, 20, 21, 22, 23, 6 4 2 0, क्लियर? यस कुंजल, क्लियर? करेक्ट, 0। नाउ यस यस, 20th सेंचुरी विल बी 6, यस। 21st सेंचुरी विल बी अगेन 4, सो दिस इज द फोर सीक्वेंस, 6 4 2 0। फ्रॉम 16 टू 23rd सेंचुरी यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड ओनली, 6 4 2 0। एज ऑफ नाउ हमें देखना होगा सिर्फ 19th, 20, मे बी 21st सेंचुरी, अगर इन फ्यूचर का देखना है तो 23rd सेंचुरी तक मैक्सिमम हम जाएंगे, उससे बड़ा एज ऑफ नाउ तो नहीं आएगा, और पुराना से पुराना 16 का हम देखेंगे, क्योंकि हम अगर गूगल भी करें या कैलेंडर हमारे मोबाइल में भी देखें तो वो 18 सेंचुरी तक हमें दिखाता है, उसके ऊपर का नहीं रहता, बट इफ इन केस वी वांट टू वी कैन चेक इट आउट, ठीक है? क्लियर? अब मैं रूल्स बताऊं या यहाँ पे कहीं पे कुछ अटके हो आप? इज दैट क्लियर? यस, फाइन। सो सपोज वी आर चेकिंग आउट इन फ्यूचर डेट, ठीक है? जो एग्जाम्पल दिया है वीडियो में वही मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सो देट आप लोग रिलेट कर पाओ उससे, ठीक है? डेट इज 13th जनवरी 2028, ठीक है? ये फ्यूचर डेट है,
अब रूल नंबर वन क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक टू डिजिट्स ऑफ द सेंचुरी विच इज 28, करेक्ट? राइट डाउन द रूल्स बिकॉज मैं यहाँ पे लिखूंगी तो काफी मेस्ड अप हो जाएगा. आई एम जस्ट राइट रीडिंग द रूल्स सो दैट यू कैन राइट इट डाउन और फिर मैं आंसर लिखते जाती हूँ. फर्स्ट रूल इज वी हैव टू टेक टू डिजिट ऑफ द सेंचुरी, करेक्ट? सेकेंड नंबर इज डिवाइड बाय फोर, ठीक है? वी हैव टू डिवाइड दिस बाय फोर. इट कैन बी डेसिमल, मेगा जस्ट योर क्वेश्चन वॉज दिस ओनली आई गेस, करेक्ट? यस, इट कैन बी इन डेसिमल, इट्स ओके. वी जस्ट हैव टू डिवाइड बाय फोर बिकॉज लीप ईयर है कि नहीं वो पता करने के लिए ये डिविजन होता है बाई फोर, बिकॉज लीप ईयर एवरी फोर ईयर में आता है, करेक्ट? सो जस्ट टू चेक दैट ये हम डिविजन का पॉइंट करते हैं. इट कैन बी इन डेसिमल, अगर वो डेसिमल में हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. इफ़ इट इज़ नॉट कमिंग इन डेसिमल दैट मीन्स लाइक अ नॉर्मल नंबर आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ लीप ईयर, क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट इज एट द मंथ. हमने क्या किया अब तक जो समझ में ना आया? रूल्स ही तो पढ़ रही हूँ मैं. फर्स्ट रूल क्या लिखा आपने? हमारा क्वेश्चन क्या है? 2028, दिस इज 2028. वी हाउ वी राइट अ डेट? डेट से लिखते हैं ऑब्वियसली, तभी तो हम डेट ढूंढेंगे ना. कोई फ्यूचर डेट का डेट होगा तभी तो उसका डेट ढूंढेंगे ना. टू फाइंड द आंसर वी हैव टू हैव क्वेश्चन. करेक्ट. सो एनी वेज दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, तो जरूरत नहीं है कुछ रेफर किया भी है कि नहीं. न्यू थिंग है, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट का जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? 2028 में 13 जनवरी को कौन सा डे है ये हम ढूंढ रहे हैं आज. दिस सेम मेथड वी कैन फाइंड आउट फॉर पास्ट डेज ऑल्सो. अगर आपका बर्थ डेट से, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर बर्थ डेट ओनली सो दैट आपको पता चलेगा कि करेक्ट आंसर आ रहा है, आप समझ में आया है कि नहीं. सेम प्रोसेस से आप अपना बर्थ डेट ढूंढिए, मे बी मॉम डेट का एनिवर्सरी ढूंढिए, मम्मी का बर्थडे ढूंढिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? फर्स्ट रूल क्या है? उसका जो सेंचुरी है, जो ईयर है, उसके दो लेने हैं हमें डिजिट्स विच इज 28, क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है? उसको डिवाइड करना है फोर से बिकॉज लीप ईयर है कि नहीं वो चेक करना है, करेक्ट? हाँ, सो वी गॉट 7. इट कैन हैपन कि ये आपको नॉर्मल नंबर ना मिले. अगर 28 की जगह पे 29 या 27 होता तो यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ सकता था, विच इज फाइन, करेक्ट? विच इज फाइन, वी डोंट हैव टू वरी ऑन दैट पार्ट. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? वी हैव टू ऐड मंथ की इन दैट. व्हाट इज द मंथ की ऑफ जैन? वन. सो 7 + 1 वी गॉट 8. कुंजल क्लियर? हाउ वी गॉट 1 हियर? गुड. नाउ फोर्थ इज एड अ डे. व्हाट इज द डे? 13, करेक्ट? मंथ का कौन सा डे है? 13. गेटिंग? गेटिंग और नो? डेट क्या है यहाँ पे हमारा? सेम वे, तो ये 8 के अंदर हमने 13 प्लस कर दिया. अंडरस्टूड? मेगा क्लियर? ठीक है. पॉइंट नंबर 5,
वी हैव टू चेक इफ इट इज अ लीप ईयर और नो. ठीक है, अभी जैसे हमने सेकेंड पॉइंट पे देखा डिवाइड बाय फोर करके राउंड फिगर आया है, दैट मीन्स इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ इट इज येस, अगर वो है लीप ईयर है, जैसे सेवन हमारा राउंड फिगर में आया, दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर. करेक्ट, यहाँ पे हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आया है, दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर. डिवाइड कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर. तो हमें क्या करना है, इफ इट इज अ लीप ईयर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम इट. करेक्ट, इफ इट इज अ लीप ईयर देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम इट. सो आंसर क्या था हमारा, 21. सो माइनस वन करेंगे विल गेट 20. क्लियर, यू जस्ट रिमेंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो वो कैसे करना है, उसकी घाई मत करो. दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर. करेक्ट करेक्ट, और ये लीप ईयर है, दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इट. तो वो वन किस में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, 21 में से. करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप इज एड लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर. अभी ईयर कौन सा हम देख रहे हैं, अभी यस, तो लास्ट टू डिजिट वी हैव टू ऐड इन दिस. सो 20 ऑलरेडी ये है हमारे पास, वो ही मैंने यहाँ लिखा है, 2028 का नहीं लिखा, मेक श्योर इन दिस पार्ट, बिकॉज अगर यहाँ पे 23 होता तो हम यहाँ पे भी 23 ही लिखते, 2028 का 20 नहीं लिखते. ठीक है, यहाँ पे लास्ट टू डिजिट, मैंने इसके लिए वापस बोला लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर हमें प्लस करना है विद द लास्ट टेकन आंसर. सो 20 प्लस 28 वी गॉट 48 दिस टाइम. क्लियर, कुंजल यू ऑल्सो क्लियर? वन ओके, सो नोट डाउन. वाई सो मच स्लो, देखिए अंडरस्टैंड, गुड अंडरस्टैंड, गुड सेम थिंग यू विल गेट इन द नोट्स ऑल्सो, बुक नंबर 6 कैलेंडर कॉन्सेप्ट इफ यू ओपन यू विल गेट द सेम थिंग, बट यस वर्बली जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने वर्ड्स में लिख दोगे सो इट्स बेटर. सिक्स पॉइंट समझ में आया? मेघा आपने जो क्वेरी रेज किया था 1982 का, वो क्लियर हुआ आपका? अच्छा करेक्ट, ओके करेक्ट. वो क्यों अपने हमने क्यों चेक किया, वो डेसिमल है या नहीं है, सिर्फ हमें वो देखना है. डेसिमल है भी तो वी डोंट हैव टू काउंट ऑन दैट पार्ट, इट जस्ट दैट कि लीप ईयर है कि नहीं वो पता चले, सो दैट फिफ्थ पॉइंट पे जब हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है वो पता चले, दैट इज द रीजन हम उसको डिवाइड बाय फोर कर रहे हैं ऑन द स्टेप नंबर टू. ठीक है, वो डेसिमल आ जाए इट्स ओके, वी डोंट हैव टू काउंट ऑन दैट डेसिमल. यस कुंजल क्लियर?
सब्सक्रिप्शन किया, यस 120, यस एंड लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, वो लिख दो वन लाइन वहां पे सो दैट यू रिमेम्बर दैट थिंग। ऑफ द ईयर, सो आंसर इज 48। नाउ व्हाट इज द सेंचुरी कोड? यस इट शुड बी 6, करेक्ट, बिकॉज दिस इज 20th सेंचुरी। सो 48 प्लस 6 वी विल डू हियर, विल गेट एवरीथिंग। इफ यू विल डू बापरे, हाउ विल यू लर्न? कैसे याद रहेंगे वो मत सोचो, पहले समझ लो तो वो अपने आप याद रहेंगे। क्लियर? 7 स्टेप। किधर 5th? 20th सेंचुरी कहाँ से है? क्वेश्चन क्या है? 13 जनवरी 2028, तो 2020 से कौन से सेंचुरी का है? सिक्स सेंचुरी का नहीं है, 20th सेंचुरी का है, उसका कोडिंग लिखा वो सिक्स। हाँ बापरे, 6th सेंचुरी, ठीक है। अब 8th पॉइंट, विच इज द लास्ट पॉइंट जहां पे हमें कंक्लूजन मिलेगा। अब हमारा आंसर क्या मिला? 54। अब मंथ, हमारे वीक में कितने डेज होते हैं? 7, सो डिवाइड 54 बाय 7, व्हाट यू विल गेट? व्हाट यू विल गेट? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, व्हाट यू आर सेइंग? करेक्ट, आंसर क्या आया आपका पहले वो बताओ। नहीं बट 5 कैसे आया मुझे वो आप बताओ, आपने किया करेक्ट किया? करेक्ट, करेक्ट कुंजल, अंडरस्टूड? समझ में आया कुंजल? 54 डिवाइड बाई 7 किया तो क्या मिलेगा हमें आंसर? 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर क्या मिला हमें? 5 मीन्स विच डे? दैट इज योर आंसर। फिफ्टी फोर को डिवाइड किया है 7 से, तो क्या करोगे? 7 8 जा तो बड़ा नहीं हो जाएगा? 7 8 जा 56 नहीं हो जाएगा? तो 7 7 जा किया हमने। तो रिमाइंडर क्या मिला? ऑब्वियसली ना, 49 में 5 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। रिमाइंडर का मतलब वही होता है ना, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू द डिविजन। बेटा यहाँ पे डेसिमल में ही आया ना आंसर, 54 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो डेसिमल में ही हुआ। एक
इंस्टेंटली। हाँ हाँ नहीं, 1 मिनट 1 मिनट सुन लो, यहाँ पे अगर डेसिमल में आता है दैट मीन्स वो लीप ईयर नहीं होता, करेक्ट? अगर लीप ईयर नहीं होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते ही नहीं, उसको एज इट इज रख देते हैं, तो फिर वो ही कंटिन्यू हो जाता है। यहाँ पे 20 होता नहीं, यहाँ पे 21 ही रह जाता वो। करेक्ट, तो 48 की जगह पे 49 होता, 49 + 6 हो जाता। फिर 49 + 6 करने के बाद लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे करते 55 + 7 करते, समझे? कोई है ऐसा कोई क्वेश्चन जो डेसिमल में आपने कौन सा किया था? मैं डेसिमल में सब डेसिमल वाले ही थे, तो कोई एक बताओ मुझे। 28 अगस्त 28 है और 20 है, ओके। अगस्त 1982, ओके ठीक है। कुंजल अभी ये देखो, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करो आप। इट्स ओके, बड़ा दिमाग होता है ना तो जगह ज्यादा लेता है ना, सो इट्स गुड ना, यू हैव बिग ब्रेन देन। चलो इसे सॉल्व करो। फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम? करेक्ट, डिवाइड बाय 4 करना है, बिकॉज लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है ना। हाँ बट अगर रूट बोलोगे तो यस 4 ही लेना है। आंसर क्या मिला आपको? 20.5, करेक्ट। अब स्टेप 3 क्या होगा? मंथ की लेना है, अगस्त का मंथ की क्या है? थ्री थ्री है ना, बोलो। हाँ तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 3 है उसमें प्लस ये 20 ही करेंगे, डेसिमल को कुछ नहीं करना है हमें, वी जस्ट हैव टू इग्नोर दिस पार्ट, क्लियर? तो आंसर मिला 23। नाउ 23 के अंदर हमें ऐड करना है 20 विच विल गिव अस 43। क्यों किया हमने 23 में 28 ऐड? कुंजल फोर्थ पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में मंथ की लेना है, तो सेम में अगस्त की क्या है? सो 20 + 3 किया,
ये आंसर ये मिला ना हमें 7,000 क्यों किया था? सेम है तो क्यों लिखा मैंने कि इसे इग्नोर करना है, मैंने यहाँ पे सर्कल क्यों किया? वी हैव टू इग्नोर द डेसिमल, हमें सिर्फ ये पता चला कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, ये डेसिमल में आया दैट मींस इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है? तो ये जो 20 है उसके अंदर हमने मंथ की ऐड की, दैट मींस वी गॉट 23 प्लस फोर्थ पॉइंट क्या है, अभी ये 23 के अंदर 20 कहाँ से आया? ये समझ में आया? करेक्ट, डायरेक्ट 6 पॉइंट पे पहुंच गई हो मैडम, पीछे के सम को वेरीफाई मत करो, स्टेप्स को सुन समझो। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? करेक्ट, तो डे क्या है, मैं यहाँ पे सर्कल करके वही बता रही हूँ, डे क्या है यहाँ पे? सो 23 प्लस 20 गॉट इट। फिफ्थ स्टेप क्या है, हमें सिर्फ चेक करना है वेदर इट इज लीप ईयर और नो, अगर लीप ईयर है तो सबट्रैक्ट 1 करना है, लीप ईयर नहीं है यहाँ पर, करेक्ट? सो वी विल नॉट डू एनीथिंग, दिस 43 विल बी एज इट इज। यस करेक्ट, क्या मिला हमें? 125। अब 125 में सेंचुरी कोड ऐड करेंगे, सेंचुरी कोड क्या है? 19 का 0, सो 125 विल बी एज इट इज। समझ में आया? अब 125 को लास्ट स्टेप क्या है? डिवाइड बाय 7। 7 से क्यों कर रहे हैं अभी पूछो? वेरी गुड। हाँ कुंजल, क्वेश्चन नहीं हुआ आपको ये? अच्छा तो ऐड करो, चलो सेंचुरी कोड ऐड करो उसमें, 7 पॉइंट पे सेंचुरी कोड ऐड करना है ना हमें। करो फिर, अच्छा ओके 0 है, चलो अच्छा हो गया, तो वो हमने ऐड किया तो क्या मिला आंसर? गुड, अब 8 पॉइंट पे आ गए आप, गुड। अब बताओ क्या है 8 पॉइंट? क्यों 7 के साथ करना है? अरे रूल मैंने नहीं बनाया मैडम, रूल्स है ये, 7 क्यों लेना है, लॉजिक क्या है उसके पीछे? बिकॉज हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, डे ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा ओके गुड गुड, समझ में आ रहा है मतलब, ठीक है ना, गुड गुड गुड, इम्प्रूविंग। तो अब करो 125 डिवाइड बाय 7। हाँ तो वो डेसिमल में आया आपका आंसर, तो रिमाइंडर कितना बचा है? अभी रिमाइंडर नहीं पता चल रहा है तो क्या करने का, 17 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देने का, जो आंसर आया उसको 125 से माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट?
17 आपको आंसर मिला तो रिमाइंडर कितना मिला? हाँ नहीं, 17 आपको आंसर कहाँ से मिला? तो आपको रिमाइंडर 0 आया। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस? करेक्ट। हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं? कोई भी चीज़ का हम डिवीजन करते हैं तो अगर आंसर, अभी जैसे लास्ट सम का ही देख लो, लास्ट सम में हमने 54 डिवाइड बाई 7 किया था, 7 के टेबल में 54 आता है। तो क्या आता है उससे कम लेकिन नजदीक? हाँ, तो 7 7 49 लिया, तो उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बचा 49 और 54 के बीच में? दैट इज द रिमाइंडर। सेम वे यहाँ पे आपका आंसर क्या आया? 117। हमारा, हमको क्या कर रहे थे हम डिवीजन? 125 से। करेक्ट। सो 17 7 का क्या मिल रहा है आपको आंसर? तो रिमाइंडर क्या हुआ इसमें? आया आंसर। सो 6 मतलब कौन सा डे होता है? वेरी गुड, समझ में आया। आंसर करेक्ट है, जिसका बर्थडे है उसने कंफर्मेशन दे दिया है। करेक्ट, क्लियर? कोई भी डाउट ये कॉन्सेप्ट में? वीडियो तो चालू कर लो, किस बात करूं? ठीक है, थैंक यू सो मच।